दोस्तों सितंबर 2023 में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और अभी देख सकते हैं कि कुछ दिनों से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये बेस्ट समय है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग स्ट्रेटजी समझने वाले हैं और मैंने भी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम करा है, तो किस स्ट्रेटजी के साथ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया राइट टाइम कौन सा होता है लमसम करने का किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। नहीं, सॉलिड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने गोल के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड है उसी में लमसम करेंगे तभी पैसा बनेगा। मार्केट में तो 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो अगर एरू म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो पैसा वहाँ पे नहीं बनेगा। तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अभी जो हम एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं क्या उसको हम बंद कर दें, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन दो टॉपिक पे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी पावरफुल वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लमसम करने के बारे में, भैया कि हमें म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, सही समय बता दो और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं। तो ये देखिए, मैंने लमसम पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को बनाई थी कुछ दिन पहले, नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो पहले एक बार मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद ये हम लोग जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इस पे हम बात करेंगे। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो इमरजेंसी फंड, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं, इमरजेंसी फंड जरूर आपके पास होना चाहिए। जैसे 6 मंथ जो भी मंथली अर्निंग है, जैसे मान लीजिए 20,000 मंथली अर्निंग है तो 20x6 कर लीजिए, एटलीस्ट 6 to 12 months का भी लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं। 6 to 12 months का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी फंड है नहीं और चले लमसम करने या इन्वेस्टिंग करने। किसी ने बोल दिया भैया मार्केट में गिरावट आ रही है, बेस्ट समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। नहीं, ऐसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा। नॉइज को आपको फॉलो नहीं करना है। तो इमरजेंसी फंड रहना बहुत जरूरी है। और इस इमरजेंसी फंड को मालूम है ना, लिक्विड फंड में या रिकरिंग, मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे बनाना है अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो इस पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना, ये नहीं देखा है तो देखिए ना। तो पहला है इमरजेंसी फंड, दूसरा है फाइनेंशियल गोल्स कि भैया जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आप SIP कर रहे हैं, जो भी आप लमसम कर रहे हैं, क्या आपका गोल है, कहीं लिए पैसा जोड़ रहे हैं। तो गोल क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इसका अप्रोच जो है अलग होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इसका अप्रोच अलग है। तो गोल्स के हिसाब से ये आपको डिसीजन लेना चाहिए। और तीसरा है रिस्क टॉलरेंस। यस, रिस्क तो भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लमसम करने जा रहे हैं तो लमसम में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से लमसम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आपको रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं ले सकते हैं और चले लमसम करने या चले किसी भी फंड में, किसी भी थीमेटिक या किसी भी एरू स्कीम में लमसम करने, तो ये गलत अप्रोच है। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी स्कीम में लमसम करने जा रहे हैं तो रिस्क देख लीजिएगा भैया कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट में गिरावट आ जाए तो फिर आपके BP बढ़ने लगे। और तीसरा है मार्केट कंडीशंस। यस, जब भी आप किसी भी स्कीम में लमसम करने जा रहे हैं तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपको मार्केट का हेल्थ चेक करना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, राइट। तो मार्केट का कंडीशन देख के आपको डिसीजन लेना है कि भैया हमें लमसम अभी करना है या नहीं करना है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे लमसम पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी तो ये चीज आपको तो ध्यान में रखना ही है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। दूसरा प्रोसेस क्या है, मार्केट का हेल्थ कैसे चेक करेंगे, ये मैंने एक
सिंपल सा आपको वैल्यूएशन इंडिकेटर बताया था कि जब भी मार्केट आपको 20 के नीचे मिले तो लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अभी मार्केट तो 20.98 पी के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या अभी लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हद है यार, कोई कसम थोड़ी है कि मार्केट 20 के आसपास आएगा तभी आपको लमसम करना है, या मार्केट 21.10 के आसपास आए तभी आपको लमसम करना है। नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें लगाना है। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि भैया देखो मार्केट 25 के ऊपर चला जाए यहाँ पे तो हमें लमसम करने के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन मार्केट जब आपको 21 के नीचे आसपास मिले या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिले, 17, 18, 19, 20, 21, 22 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिले तो ये चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 लाख लमसम करना है, 5 लाख लमसम करना है, राइट? तो 5 लाख को यहाँ पे पार्ट वाइज कर लीजिए भैया कि 5 बार में हमें इसमें 1-1 लाख करके इन्वेस्ट करना है। याद रखिएगा एक साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कोविड में गिरावट आई थी तो इस समय निफ्टी की पी 17.20 थी, तो यहाँ पे जो लमसम करा होता उसको तो भैया यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता। और इस समय निफ्टी की पी मालूम है कितनी थी बताइए? 42.50 थी। अब आप बताइए कि यहाँ पे आप लमसम करते? नहीं करते। यहाँ पे लमसम करते तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता। तो समझना पड़ेगा आपको कि जो भी आप लमसम कर रहे हैं एक साथ आपको लमसम नहीं करना चाहिए। आपको स्टैगर्ड मैनर में जब भी मार्केट सस्ता हो जाए और जब भी मार्केट में गिरावट आए तभी आपको लमसम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 लाख आप लमसम कर रहे हैं तो 5 लाख को भले आपको 1 साल लगे या 2 साल लगे, लगने दीजिए, लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आए तभी आपको ये जो आपने 5 पार्ट में कर लिया है इसको आपको इसमें ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या है, मैं अपना डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं जाकर लमसम कर रहा हूँ तो जाके आप भी लमसम करिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लेके ही इन्वेस्ट करिएगा। मैं आपको सिर्फ सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 20 लाख का लमसम करना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मार्केट आ गया था यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे निफ्टी की जो पी थी 19.25 थी, यहाँ पे 20.10 थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 to 6 मंथ में मैंने 8 लाख रुपया यहाँ पे 1-1.5-2 लाख करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे ये इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे देखो मार्केट जब गया था यहाँ पे 23-24 हो गया, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे निफ्टी 24.10 के आसपास पहुँच गई थी, और अभी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय निफ्टी की पी जो है 20.84 है, राइट? तो देख सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपरी लेवल से फिर से करेक्ट हुआ है। तो अब आप बताइए मार्केट सस्ता है या महंगा? मार्केट सोसो है, क्योंकि अभी भी देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में आपको मिल रहा है। तो मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना था, अब यहां पे आते हैं हम लोग, हमें 20 लाख इन्वेस्ट करना था, राइट? 20 लाख इन्वेस्ट करना था तो जब मार्केट सस्ता हो गया यहां पे, जब यहां मार्केट यहां पे सस्ता हो गया, निफ्टी की पी 19.80 और 20 के आसपास आई थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा करके लमसम में अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड में ऐड करना शुरू कर दिया। तो यहां पे देख सकते हैं कि 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करने में मुझे 4 से 5 महीने लग गए, राइट? और 2 लाख अभी रिसेंटली 3-4 दिन हुए मैंने फिर से 2 लाख ऐड कर दिया, जिस दिन करेक्शन आई थी ना, जिस दिन निफ्टी 1.5% 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी, उस समय निफ्टी का जो वैल्यूएशन हो गया था 20.20 था, तो इस दिन मैंने 2 लाख रुपया और ऐड कर दिया। तो यहां पे देख सकते हैं कि 8 लाख रुपया मैंने इसमें लमसम करा था, 19.93% का रिटर्न्स मिल रहा, वैसे यहाँ पे 23.50 का रिटर्न्स मुझे मिल रहा था, लेकिन मार्केट में गिरावट आई थी, वो कोई बात नहीं, 8 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया मैंने और ऐड कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपया। और रिटर्न्स अगर हम देखें तो 16.80% है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको बताइए, ये स्क्रीनशॉट पे आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये फेक है, तो फेक है तो सोचते रहिए, मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ धोखा नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप लोग समझ पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मुझे 10 लाख और इन्वेस्ट करना है, 10 लाख तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो देख सकते हैं कि स्टैगर्ड मैनर में 8 लाख रुपया मैंने जब मार्केट में गिरावट आई थी तो उस समय मैंने ऐड कर दिया और 2 लाख और अभी जहां मार्केट करेक्ट हुआ है तो 2 लाख मैंने और ऐड कर दिया, तो रिमेनिंग 10 लाख है। तो इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो अभी देख सकते हैं कि मार्केट में काफी हलचल चल रही है और आने वाले दिनों में 4 से 5 महीनों में नेशनल इलेक्शन है, तो अभी मार्केट ऐसे 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 ऐसे
करेगा, झटका देगा। हम तो इन्वेस्टर हैं, मुझे तो भैया अपना रिस्क और अपना गोल मुझे मालूम है, तो आप भी अपना गोल और रिस्क डिसाइड कर लीजिएगा। तो 4 से 5 महीने में जिस दिन मार्केट में हैवी सेल ऑफ आएगा, उसी दिन लमसम करने के बारे में मैं सोचूंगा, लमसम करने के बारे में सोचूंगा और समय दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया मार्केट आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ऊपर ही जाएगा। तो याद रखें, जब भी लमसम करने जा रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में, एक साथ नहीं। मार्केट देखा जाए तो मार्केट सस्ता है, और मार्केट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर 20 के नीचे चला गया तो 20 के नीचे चला गया तो वेल एंड गुड है ना, सस्ता मिल रहा है तो और अच्छी बात है, 16 17 18 के पी पे मिल जाए तो वाह 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 वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो नीचे आ जाए तो भैया मैं तो वेट कर रहा हूं, और अभी मार्केट देखिए सो सो है, मार्केट अभी एक्सपेंसिव नहीं है। तो आपको स्टैगर्ड मैनर में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम करने जा रहे हैं वो स्कीम सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके एरू गैरू म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिए। इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो इस तरह से आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो याद रखें, जो भी आप लमसम करना चाहते हैं लमसम करिए स्टैगर्ड मैनर में। लमसम करने से पहले इमरजेंसी फंड बना लीजिएगा, और एक साथ इन्वेस्ट मत करिएगा। रिस्क जरूर देखिएगा कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आप लोग फंड सेलेक्ट करिएगा और गोल भी डिसाइड करिएगा, और मार्केट को वॉच करते रहिएगा। जिस दिन मौका मिले उस दिन चौका मारिएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बिल्कुल बोरिंग बन जाना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है बोरिंग जर्नी है। लेकिन जो लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं वो भैया मार्केट से 2-3-4-5 महीने में बाहर हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग की ब्यूटी को समझिए, समय देना पड़ेगा। देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट ऊपर गया, अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो जब भी मार्केट सस्ता हो जाए तब आपको यहाँ पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि SIP का क्या करें। तो देखिए, जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि आप किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो SIP को छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि SIP करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि भैया SIP क्यों कर रहे हैं। SIP इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा बेटा पढ़ ले और मेरी बुढ़ौती अच्छे से कट जाए। तो आपका भैया गोल क्लियर है कि लंबे समय के लिए रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका गोल क्लियर है तो SIP को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी में आपकी SIP की जो NAV है एवरेज आउट हो जाती है। तो SIP को छेड़छाड़ मत करिए। लमसम करना है तो मार्केट में गिरावट आ जाए तो लमसम करिए, पैसा है तो लमसम करिए, पैसा नहीं है तो हरिगुण गाइए, लेकिन SIP को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो SIP में कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए, SIP कब बंद कर देना चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। नहीं देखा है तो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एरू-गैरू स्कीम में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कम है, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा दे रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग जब करना है तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।